ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं इस टाइप का कॉन्सेप्ट। एंड जो गाइस, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा काफी क्रिएटिव एंड ऑसम होने वाला है। सो गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह, तो आप सिंपली वीडियो देखने वाले जगह डाउनलोड कर लेना। बाकी चलिए आज के इस नए वीडियो में हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करने के गाइस, आप सभी को पहले अपनी फोटो को गाइस यहाँ पे ऐड कर लेना पिक्सआर्ट में, ठीक है। पिक्सआर्ट में ओपन करने के बाद आप सभी को गाइस जाना है ऐसे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को जो है जो पीएनजी है गाइस यहाँ पे ये वाली पहली वाली हम इस वाली पीएनजी को ले लेते हैं। एंड गाइस, मैंने सब कुछ पीएनजी एकदम सेट करके एकदम मतलब कि अच्छे तरीके से आपको क्रिएट करके दे रखे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा ब्लर व्लर कहीं करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सब कुछ मैंने ब्लर करके एंड पहले से ही क्रिएट करके रख रखा है, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पे सिंपली इसको ऐसे करके आपको ऐड कर देना है। एंड गाइस, उसके बाद जो आप सभी को फिर क्या करना है, आप सभी को सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको यहाँ पे एक बार डन कर देना है, ठीक है। क्योंकि यार इसके बाद ही हम दूसरा पीएनजी ले पाएंगे, है ना, क्योंकि अभी इसे हम डन कर लेते हैं। फिर हम इसका साइज कुछ इतना रख लेते हैं, यहाँ पे परफेक्ट है। अब इसको यहाँ पे हम कर देंगे परफेक्ट तरीके से एकदम डन, ठीक है। इतना कर देने के बाद गाइस आप सभी को फिर क्या करना, आप सभी को जाना है यहाँ से दोबारा ऐड फोटो में। एंड ऐसे का जो दूसरा वाला पीएनजी गाइस जिसमें कि ये फिश टाइप की जो ये फिश है जो ये जो यहाँ पे इसको आपको लेना है। एंड इसके बाद आप सबको इसको भी ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन कर देना है, ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स आपको ऐड कर देना है। एंड इसके बाद गाइस जितना परफेक्ट है, अब क्या करना है गाइस यहाँ पे आप सबको इसको भी कर देना है डन। अब गाइस बात आती है हमारी गाइस उसकी पोकेमोन की एंड गाइस पोकेमोन की बॉल की। तो पहले हम यहाँ पे बॉल लगा लेते हैं पोकेमोन का, ठीक है। तो ये ले लेते हैं एंड ये बॉल को हमने ऐड कर लिया यहाँ पे। एंड इसको हम सिंपली हमने हैंड के पास ले जाएंगे कुछ इस टाइप से, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से हम इसकी ओपोसिटी यहाँ पे कम कर लेंगे ताकि यार इरेज करने में काफ़ी इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका ओपोसिटी कम करते हैं। एंड उसके बाद चलते हैं यहाँ से इरेजर टूल में। एंड इसको हम यहाँ पे इन्वर्ट कर देंगे, ब्रश लेंगे, हार्डनेस को फुल कर देंगे, फटाफट से यहाँ पे पेंट करके इसको वापस लेंगे। सो गाइस, इतना हो जाने के बाद आप सबको फिर क्या करना है गाइस, आप सभी को यहाँ पे ओपोसिटी को एकदम फुल कर देना है। एंड उसके बाद आप सबको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको डन कर देना है। एंड गाइस, अब आता है हमारा पिकाचू को। पिकाचू जो है गाइस उसका उसको पीएनजी लेना है आपको यहाँ पे ऐड फोटो में जाके। एंड इसको पिकाचू को हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा पे इस टाइप को रोटेट कर देंगे। एंड उसके बाद फोटो को जूम करेंगे, इसको हम सिंपली कुछ इस टाइप से ऐसे शोल्डर के ऊपर बैठा देंगे, ठीक है। तो आप सभी कुछ इस टाइप से करना है। एंड उसके बाद आप सबको फिर क्या करना है, यहाँ पे अभी आपको शेडो बनानी, तो अभी हम इसको यहाँ पे डन नहीं करेंगे, यहाँ से हम चलेंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस इस ब्लैक कलर के पीएनजी को लेंगे हम, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका जो फुल इसका जो साइज है इसको हम यहाँ पे फुल कर देते हैं पहले। देन गाइस उसके बाद हम इरेजर टूल में जाएंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, ब्रश को लेंगे, इसका जो साइज होगा उसको छोटा करेंगे। एंड जब फोटो को जूम करेंगे, एंड उसके बाद गाइस कुछ स्टेप यहाँ पे हम पेंट करेंगे, ठीक है। तो इसको पेंट कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम साइज इतना रख लेंगे, इसको यहाँ पे पेंट करते हैं। सो इतना परफेक्ट है। अब गाइस इतना कर देने के बाद आपको डन करना है। इसको इरेजर टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है उसको क्लिक करके इसे मूव डाउन कर देना है कुछ स्टेप्स से, इसकी ओपोसिटी जो यहाँ पे आपको कम कर लेना है, ठीक है। तो इतना परफेक्ट है। अब क्या करेंगे गाइस, इसको हम यहाँ पे सिंपली इसको डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे डन कर देते हैं। सो इतना परफेक्ट है, ठीक है। अब क्या करेंगे गाइस, जो हमारे जो दूसरे नीचे की तरफ जो दो पीएनजी गाइस उसको ऊपर भी शेडो बनाने, तो उसके लिए हम ऐड फोटो में जाके एक ब्लैक कलर की शीट ले लेंगे। एंड सिंपली गाइस इसको फुल स्क्रीन करेंगे कुछ स्टेप्स, एंड इरेजर टूल में जाएंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे, ब्रश लेंगे, साइज को कुछ स्टेप्स अपने रख लेंगे अपने हिसाब से, एंड फोटो को जूम करेंगे। एंड गाइस कुछ स्टेप्स आप सभी को पेंट कर लेना है, ठीक है, कुछ स्टेप से। एंड ऐसे कर लेना है, एंड इस पर शेडो क्रिएट कर देनी है आपको दोनों तरफ। एंड गाइस जो ओपेसिटी वगैरह होगी वो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। एंड बाकी इतना कर देने के बाद आपसे सिंपली डन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पिक्सआर्ट का जितना भी काम था हमने यहाँ पे कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम इस फोटो को यहाँ पे सेव कर लेंगे। एंड इसको जो क्लियर डिटेच होगा हम करेंगे लाइट रूम ऐप में, तो उसको यहाँ पे सीधा हम लाइट रूम ऐप में ले चलते हैं। एंड लाइट रूम ऐप में मैंने इस फोटो को पहले से एड कर रखा है, तो आपसे फिर करना है, पहले गाइस आपको यहाँ पे ऑटो वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आपको ऑटो वाला ऑप्शन से और कुछ मतलब कि अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता लाइट में, तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको अच्छा लगता है तो सीधा डायरेक्ट आपको जाना कलर्स वाले ऑप्शन में। एंड ऐसा आप सभी को ऑरेंज कलर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। सॉरी, पहले ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे हमें फेस तो हमारा ठीक है, तो हम इसका ग्रीन कलर जो ह्यू है हम इसको ग्रीन करेंगे, तो इसका ह्यू हम बढ़ा देंगे एंड सैचुरेशन भी बढ़ा देंगे। एंड जो येलो कलर है इसको भी हम थोड़ा ह्यू जो है इसका हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, सैचुरेशन प्लस की तरफ कर देंगे, ठीक है।
तो इतना परफेक्ट है। अब क्या करेंगे गाइस, आप जाएंगे डार्क ब्लू में, एंड गाइस इसका तो कुछ सैचुरेशन है जो आप मतलब कि अगर आपको ब्लू कलर नहीं चाहिए हो तो आप सैचुरेशन माइनस कर सकते हो, दरवाजे अगर कुछ चाहिए हो तो आप प्लस कर सकते हो, एंड गाइस पेंट का कलर आप स्काई ब्लू या डार्क ब्लू भी रख सकते हो। फिर इतना कर देने के बाद आपको थ्री डॉट्स वाला ऑप्शन में जाना है, एंड उसके बाद गाइस सबसे शेडो के सामने जो येलो ऑप्शन दिख रहा है उसके पे क्लिक करना है, एंड गाइस इस टोन को ले जाना आपको यहाँ पे ग्रीन टोन में, ठीक है। एंड जो सैचुरेशन आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग बढ़ा लेना आप जितना रखना चाहो, एंड उसके बाद आपको जाना है ऐसे मिड टोन में, एंड इसको भी ग्रीन टोन में ले जाना है, इसका सैचुरेशन अपने हिसाब से बढ़ा देना है। फिर जाना हाईलाइट में, आपको इसको भी ले जाना है ग्रीन टोन में, एंड इसका भी आपको सैचुरेशन अपने हिसाब से बढ़ा देना है, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली डन कर देना है, एंड उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना आपको मिलेगा ये वाला ऑप्शन, आपको सिंपली इसके क्लियरिटी को बढ़ा देना है, ठीक है। एंड इसका जो विगनेट है इसको आपको अपने हिसाब से जितना विगनेट डाला चाहो आप डाल सकते हो, क्योंकि किसी को विगनेट चाहिए होता है किसी को नहीं, तो इतना कर देना है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल करोगे आपको यहाँ पे मिलेगा ग्रीन अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है। फिर इतना कर देने के बाद आपको जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में जाने के बाद गाइस आपको फोटो की शार्पनेस बढ़ा देना है, एंड गाइस यहाँ पे मिलेगा आपको नोट रोक्शन, आपको उसको बढ़ा देना है, एंड नीचे मिलेगा आपको कलर नोट रोक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद गाइस आपको जाना है सिलेक्टिव टूल में, सिलेक्टिव टूल में जाने के बाद आपको प्लस पे क्लिक करके आपको थर्ड वाला ऑप्शन लेना गाइस, ठीक है। एंड इसके बाद आपसे कुछ स्टेप्स ऐसे नीचे की तरफ से ऐसे ऊपर की तरफ लाना है, एंड इसका जो एक्सपोजर आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कम कर लेना, क्योंकि गाइस हमें यहाँ पे विगनेट चाहिए, ठीक है। इतना कर देना, एंड इतना कर देने के बाद आपको फिर करना, आपको यहाँ पे सिंपली डन कर देना, एंड गाइस फोटो का रिजल्ट जो है आप सभी के सामने आ चुका है। तो गाइस आशा करता हूं आपकी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। बाकी चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।